हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्रांड वीडियो। तो ऐसा काफी कमेंट आ रही है, होली आने वाली है, होली गैजेट बनाओ। तब मैंने तो सही करा यार, बनाना चाहिए। थोड़ा नेक्स्ट स्टेप को मैंने गुब्बारा फोड़ा, पूरा गीला गीला हो गया। तो भाई साहब आज हम बनाने वाले हैं बैलून शूटर। गाइस ऐसे फेंकना बहुत पुराना जमाना हो गया, मतलब हम काफी समय से ऐसे फेंकते हैं बैलून ऐसे। तो भाई आज बिल्कुल नए तरीके से गुलेल बनाएंगे जो कि गाइस बैलून को शूट करेगी। बैलून शूटर बनाने वाले बिल्कुल जुगाड़ से, बहुत सस्ता जुगाड़ होने वाला। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चला गया, चलते हैं अपने टॉय पर। समर एक्सपेरिमेंट। अरे भैया ये जो ना ये लग गया। सॉरी ब्रो। गाइस इस बैलून शूटर को बनाने के लिए भाई सबसे सस्ता जुगाड़ हो, कोई भी इसे बना सके, बिल्कुल लाइट वेट हो, और अगर महंगा बनेगा तो आप बाजार जाकर लेकर आ जाओगे। खैर हम सस्ता बनाएंगे गाइस, पहले मटेरियल देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे इतना सारा मटेरियल है, एक वीडियो कट करवा देते पहले, शूट खराब करवा दिया। तो भैया यहाँ पे और सामान ऐड कर दिया हमने, फटाफट गाइस इन सारों को देख लेते हैं। वैसे भाई मुझे पक्का पता है आपने थंबनेल में देख लिया मैंने किसका बनाया, लेकिन भाई डिस्कस तो बनता है। तो भाई सबसे पहले आते हैं इस जीआई पेपर पर, मतलब बहुत ज्यादा भारी है, इसका नहीं बनाएंगे। ये भाई स्टील का पाइप बहुत मजबूत है, इसका नहीं बनाएंगे। बाबा की छड़ी इसका बना सकते हो, बहुत इजी बन जाएगा, मैं आपको बताऊंगा भी। और भाई फिर कहां से पड़ जाएगा, आराम से लकड़ी को मिल जाएगी। पीवीसी पाइप का नहीं बना सकते, कमजोर रहेगा, टूट जाएगा। यू पीवीसी भाई टूटता तो नहीं है लेकिन कॉस्टली बहुत आता है, तो इसका भी नहीं बनाएंगे। ये भी काफी उटपटांग सा लगेगा लोहे का पाइप का। तो भैया हम बनाने वाले हैं डेढ़ सूत के सरी का, जो कि भाई साहब मैं कबाड़ में से ऐसे लेकर आया हूँ। ये बहुत सस्ता मिला है, लगभग 20-30 रुपए का इसे बैलून शूटर पड़ जाएगा, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो भैया फटाफट लेते हैं ये सरिया और फटाफट से सीधा करते हैं और इसका बनाते हैं। तो गाइस नहीं फेंकूंगा नहीं भाई, टूट जाएगा। तो गाइस ये जो सरिया है मेरी तरह सीधा हो गया बिल्कुल, वो काफी मस्त लग रहा है, साफ सुथरा सा। अब गाइस ज्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, कोई भी स्केल ले लेंगे और भाई कोई भी कलाई ले लेंगे। कोई भी का मतलब अपने भैया की, अपने दोस्त की, चाचा वाचा की, सबके ले लेना, किसी लड़की मत पकड़ लेना वरना भाई सरिया जो है टेढ़ा हो सकता है। हम देखेंगे कितनी हम रख सकते हैं, ये रहा 4.5। ओ भाई अगर मुट्ठी खींच के निकाल लेंगे तो 4.5 चल जाएगा। भाई सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं, 36 इंच 6 सूत, यानी कि अप्रोक्स 37 इंच। तो भैया हमने इसका आधा ले लिया है और यहाँ पे लगाया 2 इंच और यहाँ पे लगा भी है 2.25 इंच। ये बैठेगा पूरे 4.5 इंच। भाई देखिए अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो प्लीज दोस्तों आपको पल के भी नहीं धमकानी है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। वीडियो पूरी वॉच करनी है, बन रहा। तो भाई हमें इसका यू बनाना, यानी गाइस हम इसे बैंड करना है 90 पे, इसको भी और इसको भी। दो तरीके हैं, या तो हल्का कट लगाओ बैंड कर दो, या भाई इसे ऐसी बैंड कर दो। अगर ऐसी से मोड़ोगे तो भाई यहाँ पर काफी गोला में जाके मोड़ेगा, भाई हम इसे काट करके हल्का से वेल्डिंग का टांका मारेंगे तब मोड़ेंगे। तो भाई अब जो मेन काम है, जो इसे मोड़ना तोड़ना है, वेल्ड करना है, वो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइस आप इस पर कोई वेल्डिंग कर सकते हो, मैंने मिग वेल्डिंग का यूज किया, आप कोई इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए ये इस तरह की शेप में बन गया है, यहाँ पर आप इसे कलाई पर रोक सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर है, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक रोड और कट करनी है जो गाइस इसके अंदर आ जाए, जिससे आप गाइस पकड़ सको। जितना आप इसे आगे रखोगे उतना यहाँ पर जोर पड़ेगा, थोड़ा सा इतना रखो कि गाइस अगर आप ऐसे खींचो तो यहाँ पर ज्यादा जोर ना पड़े। तो मैं इसे थोड़ा सा बस आगे अपनी सहूलियत के हिसाब से वेल्ड कर दूंगा। तो भाई ये लगभग ए अल्फाबेट ए बन चुका है। अब भाई ये जो पार्ट है ये यहाँ फंस जाएगा और आप इसे खींचोगे ना, ये काफी मजबूत रोड होती है ना। तो भाई अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा एंगल देंगे, मुट्ठी से थोड़ा आगे, जितना गाइस आपका आसानी से हाथ चला जाए। तो भाई फटाफट बैंड करते हैं और इसकी बैंड बजाते हैं, बस गाइस लगभग वीडियो कम्प्लीट होने वाली है। गाइस इस बार मैंने इसे काटा नहीं है, ऐसी ही बैंड कर दिया है, काफी मुश्किल से बैंड हुआ, हमारी बैंड बजा दी जो बात है। इसका कोई पैमाना नहीं है स्केल नहीं की, भाई आप कितना करो, थोड़ा ज्यादा रखना, जिससे गाइस आराम से खींचोगे ना तो भाई यहाँ से आराम से बैलून निकल जाए और आपके हाथ में ना लगे। अब गाइस यहाँ से 5 इंच ऊपर से और यहाँ से भी 5 इंच काटेंगे, नहीं तो सीधा करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर आप इसकी देख सकते हो क्या स्ट्रक्चर मैंने कर दिया है। तो भाई इसका एक फायदा और भी, आप टक्कर ही मार सकते हो और आपसे कोई हिल जाएगा नहीं होली पे, कोई गलत मतलब कुछ भी कहता है तो भाई आप ऐसा करके ऐसे नहीं मानना, मतलब लगा के मानना, थोड़ी सी आपको लिखनी चाहिए ना। तो भैया कुछ मैंने इस तरह इसका एंगल बना दिया है। अब यहाँ पे भाई ये काफी लंबा है, भाई यहाँ पर हम खींचेंगे ऐसे, तो भाई मैं 3-3 इंच और कट कर दूंगा, हम रास्ते पर ही है होने वाला। तो गाइस लगभग कंप्लीट होने वाला है और हमें इसके लेंथ का पता लग गया, हमें कितना लंबा रोड लेना है। गाइस मैंने 36 इंच, 3-3 इंच मैंने काट दिया, तो अप्रोक्स 30 इंच प्लस 4.5 इंच, तो अप्रोक्स 34.5 इंच सरी में गाइस आपका काम हो जाएगा। और आई ऊपर से यहाँ पर हम लगाने वाले हैं रबड़ प्लास्टिक, देखिए भाई साहब गुलेल के लिए स्पेशल ये मार्केट मिलती है। और गाइस मुझे एक सिर्फ 10 रुपए की मिली है, आई थिंक मुझे लूट लिया कहीं पर, ये 7 रुपए की, 6 रुपए की, 5 रुपए की मिलती है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है तो गाइस मैं यहाँ पर दो रेड लेने वाला हूँ, या आप कोई से भी कलर ले सकते हो, दो रेड होगी। और गाइस बांधने के लिए ये अलग से आती है जिससे हटाना निकलना। अब गाइस प्रॉब्लम है कि भाई हम इसे लगाए कैसे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाने वाले नट, इन नटों को यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। और भाई इनके अंदर जो थ्रेडिंग है ना, जो चूड़ी बनी हुई है, उन्हें अंदर से ड्रिल करके बिल्कुल प्लेन कर देंगे जिससे हमारे रबड़ कटे ना आराम से लंबे समय तक चले। पहले हम इसे वेल्डिंग कर देंगे, उसके बाद करेंगे जो भी हरकत करेंगे इसके साथ। तो भाई इसकी मैंने शार्पनेस बिल्कुल खत्म कर दी, अंदर ड्रिल बिट घुमा दिया है। तो भाई प्लेन इसकी चूड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब भाई ये हमारी जो रबड़ है वो काटेगा नहीं, बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा, मस्त बिल्कुल। तो भाई अब आते हैं इसके कपड़े पर, यहाँ पे बैलून होल्ड होगा और खींचा जाएगा। तो गाइस मैं लेकर आऊँ भाई साहब सबसे बड़ा पुराने जींस, मतलब कि भाई नाले फेंकने वाले थे भाई, इसो की जींस है बिल्कुल फटी पुरानी। भाई ये काफी मजबूत होती है और इसमें अच्छा काम करेगी। भाई पहले इसके मैं मेजरमेंट लूंगा, काटूंगा, फिर सीऊंगा, लगाऊंगा, भाई बहुत सारे काम है। भाई फट भी नहीं रही है, मैं फाड़ रहा हूँ ना तो कपड़ा फट नहीं रहा है, इतना मजबूत कपड़ा है। और गाइस इसमें भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी है काफी ज्यादा, मतलब आजकल जींस है ये खींचती है। तो लीजिए गाइस ये बन गया है किस तरह का देखिए। और गाइस इसके अंदर होल है, इसके अंदर हम लास्टिक डालेंगे और यहाँ पर खींचने के लिए एक अलग से कुछ हैंडल टाइप का बनाया कपड़े से। गाइस मेरे मम्मा पापा देख रहे थे, मैं कमरे गया था ना, उनके कमरे में सिलाई मशीन रखी है, तो पापा कह रहे थे क्या बन रहा है। अम्मा कह रही थी कि पता नहीं क्या उल्टी हरकतें करता रहे भाई भाई मतलब क्या बना है क्या कहूं। खैर इसे असेंबल करते हैं फटाफट। ये जो पाइप है कुछ ये इसके अंदर, अच्छा चला गया, ऐसे नहीं जाने का, निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, कितनी बड़ी गुलाल लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है हमने जो ना मास्क इस पर लगा दिया हो। और भाई साहब देखिए ओहो मस्त बिल्कुल। लेकिन गाइस यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो सरी है ना ये थोड़े पतले हैं, थोड़े से मोटे होने चाहिए थे, लेकिन मैंने वेट की वजह से कम रखा है, यानी कि पतले रखा है। लेकिन भाई बिना वेट बढ़ाए भी ना थोड़ा मोटा हम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वेट बढ़ेगा लेकिन मोटे कर सकते हैं। ये रहा भाई साहब एलपीजी वाला पाइप जो गैस सिलेंडर में लगता है और भाई बहुत चीप मिलता है, ठीक है। तो हम इसे ले लेंगे, लेकिन हम इसे ऐसे काट के अंदर लगा सकते हैं। हमारी तो कैंची भी स्पेशल है भाई, पूरी जान लगा दी भाई मैंने। अरे ऐसे भी कट सके, वाह ये हो गया। हा 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 हा, तो कैसे तहसील ने मेरी कर दी है। और भाई यहाँ पे लगा था टेप, फिर निकले ही ना ये। लो भाई अब पकड़ने में काफी आसानी हुई है, पहला भाई काफी पतला था, अब ये डबल टेबल हो गया है, लगभग गाइस ये हाफ इंच मोटा हो गया है। तो भाई इतना तो चाहिए कम से कम, ठीक है। और भाई साहब तो गाइस टेस्टिंग के लिए मैं लेकर आया हूँ ये कुछ बैलून गुब्बारे, और ऐसे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन भाई क्या करें यही मिले मेरे को, तो भाई मैं लेकर आया। हाँ भी छोटे हैं लेकिन इतने छोटे नहीं है, जितने छोटे मैं चाहिए थे इतने छोटे नहीं मिले, इससे थोड़े छोटे होते हैं यार, ये भी इतने बड़े नहीं है वैसे, ठीक है। तो भाई फटाफट भरते हैं इनके अंदर पानी। तो गाइस आगे हम टेस्टिंग के लिए बाहर, और यहाँ पर काफी खुला खुला है, आज मेरी टीम कहीं दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। खैर यह है भाई साहब बलून, और भाई मैं काफी सारे लेकर आया हूँ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, और भाई अभी ये सिंपल पानी वाले हैं, तो भाई करेंगे क्या हम, बहुत इजी है, इसके अंदर डालूंगा ऐसे, पकड़ने जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। ऐसा करा, देखते गाइस कहां तक जाएगा। ओ भाई साहब ओ फूट गया गाइस कितना दूर गया है, दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने ज्यादा नहीं खींचा था जानबूझ कर, थोड़ा सा और लंडे देखो पार रोड के गाइस पार गया है। गाइस मैंने तो बहुत जोर से खींचा, तो भाई धागा कच्चा था निकल गया, मतलब यार हमारे साथ भाई ऐसा क्यों होता है यार। खैर मैं ट्राई करता हूँ कि इसके बिना भी चला जाए, वरना भाई आपको अच्छे से लगाना है, वैसे वो मजे नहीं आएगा जो मुझे खींचने का था ना, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ। नहीं मैंने कहा था गाइस वो मजा नहीं आएगा, तो भी करते क्या है इसे लगा के आते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ भैया ऐसे सीने के बाद, और बड़ी दिक्कत है यार, भाई अब के मैंने काफी मजबूत से सिया है, गाइस धागा कच्चा था। फटाफट भाई इसे करते हैं। एक बात और गाइस, काफी लोग कहेंगे समर हम हाथ से फेंक देंगे, हाथ से बाय चांस ऐसा होता है कि हाथ में झटका जाता है फेंकने चक्कर में, ठीक है ना। इस हाथ में हम ज्यादा जोर लगाते हैं ना, कलाई पर झटका सकता है, निकल गया हाथ उखड़ गया ऐसे कहते हैं ना, तो भाई इससे नहीं होगा। अब फटाफट गाइस की टेस्टिंग करते हैं। वैसे गाइस मैं सोच रहा था भाई इसकी रबर टूटेगी, लेकिन भाई टूटा कुछ और, सब कुछ टूट गया रबर नहीं टूटी। पर चलो भाई ये हो गया है, देखते हैं भाई कहां तक जाएगा, धनुष की तरह खींचेंगे। ओ लोंडे लिया ये गया नाले में, कम से कम 100 मीटर दूर गया। ट्राई करते हैं एक बार और, काफी सारे रखे हैं मैंने यहाँ पर, आपके और जोर से खींचते हैं क्या होता है, गुब्बारे के मजा आ रहे हैं जो बात है। देखो भाई ओ देखिए गाइस ओ भाई देखिए गाइस दीवार पर टकरा गया, काफी दूर यहाँ से, और मैंने अभी पूरा नहीं खींचा, एक बार ट्राई करते हैं जी, काफी मजा आ रहा है। चलो भाई देखते हैं एक बार और ये रहा। देखो भाई और
गया, दीवार पे टकरा भाई, देखे सीधा ऊपर। यहाँ देखा 100-150 मीटर दूर पड़ता है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा कैमरे पर। गैस की थ्रो बहुत अच्छी है और भाई हाथ में बिल्कुल भी झटका नहीं आता, कुछ भी पता नहीं लगता। और भाई ये काफी लाइट वेट है और भाई इन पाइप को लगाने से यहाँ पर लगता भी नहीं है। तो भाई कोई भी इसे बना सकता है, बहुत चीप है और भाई मजबूत बहुत है। गैस हर होली पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो खैर ज्यादा बात नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैप्पी होली, बाय बाय इन एडवांस।